स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या आपको भी एनसीईटी एग्जाम का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है? क्या आप भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। इवन मैंने भी ट्राई किया कि एज ए स्टूडेंट मैं भी ट्राई करती हूँ रजिस्टर करके, बट आई वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू रजिस्टर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आपको दिक्कत आ रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि कुछ पर्टिकुलर लोगों की ये प्रॉब्लम नहीं है, सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है। और इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। खैर, इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि एनसीईटी एग्जाम के लिए आप अपना कोर्स और अपनी यूनिवर्सिटी कैसे चुनेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक एकदम न्यू एग्जाम है और एक छोटी सी गलती आपका पूरा एक साल बर्बाद कर सकती है। आपका वो सपना एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, आईआईटी से पढ़ने का, एनआईटी से पढ़ने का, आरआईई से पढ़ने का, वो आपका सपना अधूरा रह जाएगा अगर आपने फॉर्म भरने में या अपना कोर्स समझने में एक छोटी सी भी गलती कर दी। तो वो गलती आप ना करें, उसी लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसे ध्यान से जरूर देखिए, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज वो कोर्सेज ऑफर कर रही है, ये समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप फॉर्म भरने बैठ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात की, आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कर सकते हैं, बट क्या आपको ये पता है कि हर एक कैटेगरी में चार ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं? तो अपना कोर्स बहुत केयरफुली आपको चूज करना है, इसीलिए ये वीडियो मैंने फिर से बनाया है ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। सेम चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, इन बिटवीन शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया, तो एक छोटी सी गलती आपका फ्यूचर खराब कर सकती है। इन टर्म्स ऑफ, आप गलत कोर्स ले सकते हैं और गलत यूनिवर्सिटी फिल कर सकते हैं फॉर्म में, जिससे कि आपका एक साल तक बर्बाद हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको आपका कोर्स चूज करना है और फिर वो कोर्स किस यूनिवर्सिटी से ऑफर हो रहा है ये आप कैसे चेक कर पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और दिक्कत कहाँ आ रही है रजिस्ट्रेशन में वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऑफर्स हमें हैं इस एग्जाम के दौरान। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्म भरने से पहले आप अपना कोर्स डिसाइड कर ले। अब कोर्स सिर्फ ये नहीं है कि मुझे बीएससी बीएड करना है, बीए बीएड करना है या बीकॉम बीएड करना है। बीएड भी आप चार लेवल पर कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है और अभी भी मैं बता रही हूँ आपको। हर एक स्ट्रीम के लिए चार अलग अलग तरह की डिग्री प्रोवाइड की जा रही है आईआईटी, एनआईटी, आरआईई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। वो चार तरह की डिग्रीज कौन सी है, मान लेते हैं कि आप बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं, ठीक है? अब बीएससी बीएड किस यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हैं। बीएससी बीएड आपको ये चार तरीके का करने को मिल सकता है। आप फाउंडेशनल स्टेज का बीएससी बीएड कर सकते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज का, मिडिल स्टेज का, सेकेंडरी स्टेज का बीएससी बीएड कर सकते हैं। ऐसे ही आप बीए बीएड कर सकते हैं, अगेन चारों स्टेज का। ये चारों स्टेज क्या है मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया, इसको ध्यान से समझिए। आपको प्री स्कूल से सेकंड क्लास तक पढ़ाने का मौका मिलेगा इस कोर्स के बाद। प्रिपरेटरी स्टेज में आप थर्ड से फिफ्थ तक के स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं। मिडिल क्लास के सिक्स से एट, अगर आप मिडिल स्टेज का बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड कर रहे हैं तो आपको
सिक्स्थ से एट्थ तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो 9 to 12th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आगे जाकर के आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप 9th 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे, आप नीट के बच्चों को प्रिपेयर करेंगे या फिर आप फाउंडेशन के बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, समझ रहे हैं आप, IIT JEE के लिए बच्चों को प्रिपेयर करेंगे। ये आपने किस तरह का बीएड करा है, किस स्टेज का स्पेशलाइजेशन है आपके पास, उससे डिसाइड होगा। इतना क्लियर है? अब आप सोच लें कि मान लीजिए आपको बीएससी बीएड करना है, ठीक है, बीएससी बीएड अब हो सकता है आपका बायो रहा हो या मैथ्स रहा हो, है ना, ये भी आपके मन में एक डाउट होगा कि मेरा तो मैथ्स था, कोई सोच रहा होगा मेरा बायो था। तो फिर अब जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस स्टेज का स्पेशलाइजेशन करना है, लेट्स सपोज सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन, ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है यूनिवर्सिटीज की लिस्ट को कि कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज में स्पेशलाइजेशन करवा रही है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अलग अलग तरह का स्पेशलाइजेशन करा रही है, कुछ 4 स्टेज में करवा रही है, कुछ 3 स्टेज का करवा रही है, कुछ 2 स्टेज का, कुछ 1 स्टेज का, है ना, वो सबके साथ है, बीए बीएड के साथ भी है, बीएससी बीएड बीकॉम बीएड के साथ भी है। तो मान लेते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कि मैं चाहती हूं मैं बीकॉम बीएड सेकेंडरी स्टेज का स्पेशलाइजेशन लूं, मतलब कि आगे आने वाले समय में मैं 9th से लेकर के 12th के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाना चाहती हूँ, तो मेरा फेवरेट कोर्स या मैं जो कोर्स चाह रही हूँ वो है सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन। अब ये मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा IIT, कौन सा NIT या कौन सी सेंट्रल या RIE ये ऑफर कर रही है? तो उसके लिए आपको जाना होगा NCET की साइट पर। चलिए मैं आपको ले जा करके दिखाती हूँ कि आप कैसे चूज करेंगे, ठीक है, पहले आपने कोर्स डिसाइड कर लिया, अब देखते हैं कि हम यूनिवर्सिटी कैसे ढूंढेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सर्च करने के लिए कि मेरा डिजायर्ड कोर्स बीकॉम बीएड, वो भी सेकेंडरी लेवल का स्पेशलाइजेशन वाला, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, उसके लिए मुझे NCET की ऑफिशियल साइट पर आना होगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यूनिवर्सिटीज का, वो यूनिवर्सिटीज जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही है, इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रही है, मैं वहां पर आ गई। देखिए पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है। अब आगे हमें क्या करना है, इसमें आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए साइड में एक लिस्ट दी हुई है, सेकेंड ये देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये अल्फाबेटिकल है, अगर आप IIT या किसी और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, आप सभी लोगों में जो सबसे ज्यादा फेमस है IIT, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर, देखते हैं ये क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या ये मेरा डिजायर्ड कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये सिर्फ बीएससी बीएड, IIT भुवनेश्वर क्या ऑफर कर रहा है, सिर्फ बीएससी बीएड ऑफर कर रहा है, वो भी किस लेवल का, सेकेंडरी लेवल का, मतलब कि 9th से लेकर 12th तक का। अगेन यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे रखी है कि 50 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए 12th में एंड ऑल। अब ऐसे ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज जा करके चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं देख लेती हूँ, बात करते हैं, चलिए हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें देखती हूँ कि मैं बीकॉम बीएड सेकेंडरी लेवल का दिया हुआ है या नहीं। यस, यहाँ पर दिया हुआ है बीकॉम बीएड, देखिए ये मेरी पसंद का कोर्स है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी कि वो यूनिवर्सिटी वो कोर्स ऑफर कर भी रही है या नहीं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा, चलिए मैम हमने कोर्स डिसाइड कर लिया, हमने अपनी यूनिवर्सिटी भी डिसाइड कर ली, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या निकाल है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए दोस्तों, यहीं पर आपको ऑप्शन दिया गया है विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, क्यों, क्योंकि क्या एज क्राइटेरिया है, मान लीजिए मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, अब इसमें एज का क्या क्राइटेरिया है,
बीकॉम अगर मुझे इकोनॉमिक्स में करना है ना, या मान लीजिए मुझे बीएससी करना है, बीएससी बीएड करना है, तो मुझे बायो से करना है, तो क्या बायो से ये ऑफर कर रहे हैं, मैथ्स से ये बीएससी ऑफर कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ये बीएससी ऑफर कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमको विजिट करनी होगी इनकी वेबसाइट, ठीक है। ये देखिए, ये हम इनकी वेबसाइट पर आ गए। बट दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है, उनके वेबसाइट पर एनसीईटी से रिलेटेड वो क्या क्राइटेरिया रखने वाले हैं, किस तरह की एलिजिबिलिटी वो लोग रखने वाले हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन किसी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी की साइट पर नहीं है। इसीलिए ये प्रॉब्लम हमें रजिस्ट्रेशन में आ रही है। आप सभी लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक आईआईटी, आरआई है ना, हमारा आरआई भोपाल भी इस पे है, जहां से मैं हूँ एक्चुअली, मैंने भी वहीं से अपना बीएड किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने जा करके देखा, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन एनसीईटी से रिलेटेड नहीं है। यही मुझे कारण लग रहा है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो अनाउंस हो गई है, बट पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज ने अपनी तरफ से कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वो ऑफर कर रहे हैं, ये अभी तक अपनी साइट पर रिलीज नहीं किया है। देखिए, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ यहाँ पर। यस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, देखिए इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो ये दो तरह के ऑफर कर रहे हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। एनटीए और द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी विल नॉट बी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ दैट प्रोग्राम एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन, ठीक है। You have to read and understand the eligibility criteria, qualification, other condition and understand the minimum required subjects of the program opted of the respective university for NCET. तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक आईआईटी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, आरआई एनआईटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और फिर वहां से देखना पड़ेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट में वो आपको बीएससी बीए या बीकॉम करवा रहे हैं। प्लस यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीईटी या एनटीए नहीं ले रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग से ये फॉर्म भरने के बाद है ना, अपना अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालेगी, वो पढ़ करके आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स को चूज करना है। आई होप आप क्लियर होंगे। सबसे पहले कोर्स डिसाइड कीजिए, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी ढूंढिए, अपना इंस्टीट्यूट ढूंढिए जो आपका डिजायर्ड कोर्स करवा रहा है, फिर उनकी वेबसाइट पर जा करके चेक कीजिए कि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तब जा करके वो कोर्स और वो यूनिवर्सिटी आप अपने फॉर्म में भर पाएंगे। आई थिंक ये बहुत क्लियर होगा अभी आप लोगों के लिए। कोई भी डाउट है इस दौरान तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी। और भी कोई अगर जरूरत होगी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जाम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।